तो दोस्तों चलिए आपको घुमाते हैं ट्यूनीशिया। ये एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत कंट्री है जहाँ पर स्टार वार जैसी मूवीज़ की शूटिंग है। और ये हम पहुँच चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 मुंबई। इस वक्त मैं हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में मुंबई में, और मैं जा रहा हूँ ट्यूनीशिया शो के लिए, और 4 दिन में वहाँ पर हूँ। तो चलिए आपको वहाँ के ब्लॉग्स बना के दिखाऊँगा। ये है एयरपोर्ट के अंदर का खूबसूरत सा नज़ारा, और ये हमारा बोर्डिंग पास। देन हम निकल पड़े अपने गेट की तरफ। जब हम गेट में पहुंचे तो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और ये है एक लंबी सी लाइन बोर्डिंग की। फाइनली हमारा नंबर आता है और हम अंदर आते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फाइनली दुबई पहुंच गए हैं, तो चलिए यहाँ का नज़ारा कराते हैं आपको। दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि हमें अपने कनेक्टिंग फ्लाइट के गेट तक जाने के लिए 25 मिनट्स लगते हैं, और हमें मेट्रो भी लेनी पड़ती है। दुबई से हम जा रहे हैं ट्यूनिस के लिए। चलिए आज आपको ट्यूनिस घुमाते हैं, और ये है हमारा फ्लाइट। ओके, सो हम दुबई से अब हमने फ्लाइट ली है ट्यूनिस के लिए। अब हम ट्यूनिस जा रहे हैं, तो ट्यूनिस में मेरे शो है, तो मैं ट्यूनिस घूमूंगा, बाकी टाइम में शो करूंगा। उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा मैं घूमूंगा, और वहाँ का जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए, मज़ा आएगा। तो फाइनली हम ट्यूनिस पहुंच चुके हैं। सो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे हो गए हम वेट कर रहे हैं, बिकॉज वीज़ा ऑन अराइवल की वजह से अभी तक हमारा वीज़ा ही नहीं मिला है वहाँ में। वो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कुछ पता नहीं है, देखते हैं। होपफुली जल्दी सब कुछ हो जाए, क्योंकि आज शाम को परफॉर्म भी करना है। सो फाइनली हमें अपना वीज़ा मिला, और हम निकल पड़े होटल की तरफ। फाइनली हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, होटल 4 सीजन्स, और ये है उस होटल का फ्रंट व्यू। दोस्तों लगभग 20 घंटे की जर्नी के बाद मैं बहुत थक चुका था, लेकिन मेरी सारी थकान एक मिनट में ही उतर गई जब मैंने देखा यह प्यारा सा व्यू। चलिए तो अब आपको दिखाता हूँ यहाँ का बीच। ओके, सो मैंने सोचा है कि इसी व्लॉग में इस होटल को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। ओके, सो फाइनली मैं जा रहा हूँ स्विमिंग के लिए। मौसम ठंडा है और मेरा टॉवल भी बहुत बड़ा है।
तो इसे कहते हैं टैलेंट, यहाँ भी असर भी गीला नहीं है। ओके सो इस ब्लॉग में इतना ही, आगे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओल्ड टाउन मदीना को, वहाँ की मार्केट को, और जाने वाले हैं एक एंटीक शिप में, और इन्जॉय करेंगे थिएटर शो को।